जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बात करेंगे एमबीए करने के फायदे। एमबीए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, एमबीए करने के क्या फायदे हैं, एमबीए करें तो फिर कहां से करें, इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है, इसको करने के बाद में गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, कहां कहां पर हमें जॉब मिल सकती है, कितनी सैलरी मिल सकती है। तो एमबीए को लेकर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबका आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं एमबीए कोर्स के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं एमबीए कोर्स के बारे में। पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो साथियों, एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपका एक 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। इसको करने के बाद में आप क्या हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। ये एक प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है और एक हाई वैल्यूएबल प्रोग्राम है। इसको आप दोनों ही मोड में कर सकते हैं, रेगुलर और डिस्टेंस दोनों ही मोड में आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर के लिए। तो रेगुलर के लिए यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके लिए आपने अपना किसी भी स्ट्रीम से, यानी कि किसी भी स्ट्रीम से अपना किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो, यानी कि आपने ग्रेजुएशन की हुई हो, ग्रेजुएशन में आपको कोई भी कोर्स हो सकता है, फिर आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हुआ हो, बीटेक, बीबीए, बीसीए, कोई भी आपने ग्रेजुएशन का कोर्स किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। साथ के साथ आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। यदि आपकी कोई कैटेगरी लगती है एससी, एसटी, ओबीसी, तो वहां पर आपको 5% की छूट मिल जाती है, यानी कि 45 पर भी आपका एडमिशन हो जाता है। अब बात करें साथियों, यदि आप डिस्टेंस से करना चाहते हैं तो डिस्टेंस में भी आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो, लेकिन वहां पर ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज का मैटर नहीं करता है, यदि आपके 50% से कम भी है तो भी आपको एडमिशन मिल जाता है, यानी कि डिस्टेंस या ओपन में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब डिस्टेंस से किसको करना चाहिए और रेगुलर से किसको करना चाहिए, साथियों यदि आपके पास समय है, आपको अभी कहीं आप वर्किंग में नहीं है, आपने अभी ग्रेजुएशन किया है, तो आपको क्या करना चाहिए, रेगुलर से करना चाहिए। रेगुलर आप एमबीए करें, काफी अच्छा कोर्स है। यदि आप कहीं वर्किंग में हैं या आपका अपना बिजनेस है या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी डिग्री को अपग्रेड कर सकते हैं। आप डिस्टेंस या ओपन से भी एमबीए कर सकते हैं। काफी सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑनलाइन या आपको जो डिस्टेंस मोड में एमबीए कराती है। अब बात करें साथियों के एमबीए करने के क्या फायदे हैं, एमबीए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक हाई वैल्यूएबल प्रोग्राम है। इसको करने के बाद में यदि आप किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एमबीए करते हैं तो काफी अच्छी अच्छी जॉब मिल जाती हैं। अब जॉब किस किस फील्ड में मिलती है, साथियों एमबीए जो आपका कोर्स है लगभग 50 से भी अधिक फील्ड में कराया जाता है। हमें जनरली पता होता है कि एमबीए हम एचआर से कर सकते हैं, फाइनेंस से कर सकते हैं, आईबी से कर सकते हैं, मार्केटिंग से कर सकते हैं, जनरली हमें 5 से 10 ब्रांच पता होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ब्रांच है, अलग अलग मेडिकल की फील्ड में भी आपका एमबीए होता है, यानी कि अलग अलग फील्ड में, एग्रीकल्चर, सभी फील्ड में आपका एमबीए कराया जाता है। तो यानी कि आप अपनी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उस फील्ड में आप अपना एमबीए कर सकते हैं। अब बात करें साथियों के एमबीए करने के बाद में सैलरी कितनी मिलती है। तो साथियों, एमबीए के बाद में जो सैलरी है वो डिपेंड करता है कि आपने किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए कंप्लीट किया है। काफी सारी, अगर अच्छी आप यूनिवर्सिटी से आप एमबीए करते हैं तो आपका करोड़ों में भी पैकेज मिलता है, यानी कि जो एनुअल पैकेज है वो करोड़ों में भी रहता है। यदि आप किसी जो मिडिल लेवल के कॉलेज या यूनिवर्सिटी से भी एमबीए करते हैं तो वहां पर भी सैलरी पैकेज काफी अच्छा होता है। तो आप एमबीए कर सकते हैं, यदि आपके पास समय है तो सबसे बेस्ट कोर्स है आज की डेट में, आप एमबीए कर सकते हैं। प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे बैंक में मैनेजर होता है तो आपको वहां पर एमबीए मांगा जाता है, और भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जहां पर आपका एमबीए की डिग्री चाहिए होती है, मस्ट है। तो एमबीए कोर्स एक काफी अच्छा कोर्स है, और एमबीए के लिए हमारी जो एक ट्रस्ट है, सक्षम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, हर साल हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। यदि आपको एमबीए में एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। अप टू 100% तक स्कॉलरशिप दी जाती है। ये जो रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या शॉर्ट बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।